नमस्कार दोस्तों, मैं जीआर चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर और यूनिक एग्रीकल्चर में। और ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं आयसेनिया फेटिडा प्रजाति के केचवे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत ही शानदार प्रजाति मानी जाती है। और इसकी कमाल की बात यह है कि ये प्रजाति कि केचवे जो है कि 90% तक गोबर खाते हैं और 10% मिट्टी खाते हैं। और ये प्रजाति गोबर खाकर आपके लिए अच्छी क्वालिटी और न्यूट्रिएंट वाला वर्मी कंपोस्ट बनाती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास बहुत ही स्वस्थ व हष्टपुष्ट केचवे हैं। अगर इनको गोबर में डाला जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट तैयार करके हमको देंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका मूवमेंट बहुत ही फास्ट है। ये प्रजाति बहुत ही शानदार प्रजाति होती है। ये केचवे, इस प्रजाति के केचवे की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 3.5 से 13 सेंटीमीटर तक के होते हैं। और यह केचवे सतह पर रहने वाले एपिजेइक स्वभाव के होते हैं और बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी खाते हैं। ये शीघ्र वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। एक परिपक्व केचवे में लगभग 1.5 ग्राम तक वजन हो जाता है तथा यह कोकून से निकलने के बाद 50 से 55 दिन बाद प्रजनन क्षमता हासिल कर लेता है। एक वयस्क केचवा औसतन 3rd दिन में एक कोकून बनाता है। और जैसा कि एक कोकून में 3 से 4 बच्चे निकलते हैं। और ये आयसेनिया फेटिडा प्रजाति का केचवा लगभग 6 महीने में 280 तक बच्चे देता है। और इनमें प्रजनन क्षमता बहुत ही फास्ट होती है। अगर आप जब भी वर्मी कंपोस्ट बनाए, चाहे अपने खेत के लिए बनाए, चाहे बिजनेस पर्पस से बनाए, चाहे किचन गार्डन के लिए बनाए, तो इसी वैरायटी का आयसेनिया फेटिडा वैरायटी का ही केचवा प्रयोग में ले, क्योंकि ये 90% गोबर खाता है। और इसके अलावा जो भी प्रजातियां हैं वो ज़्यादातर मिट्टी खाती है, कीचड़ खाती है, जो कि गोबर बहुत ही कम मात्रा में खाती है। अगर आप उनको गोबर के बेड़ों में डालोगे तो इतनी अच्छी क्वालिटी वाला वर्मी कंपोस्ट वो आपको बना के नहीं देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आयसेनिया फेटिडा वैरायटी के केचवे बहुत ही अच्छी मात्रा में गोबर खा के वर्मी कंपोस्ट आपके लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ पास वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे चैनल पर मैं सभी तरह की एग्रीकल्चर से संबंधी वीडियो लेके आता हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। जय जवान, जय किसान।